नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी खबरों की सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में, जहां पे सिरपुर तालाब के पास निर्माण कार्य में चौकीदारी का काम कर रहे गोलू नामक युवक ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। मृतिका का शव जिला अस्पताल में रखा हुआ है। द्वारकापुरी पुलिस जांच में जुटी हुई है। उज्जैन शहर के समीप तहसील तराना के नजदीक सोमवार सुबह एक भीषण दुर्घटना घट गई। बाइक और बस की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खंडवा में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मुनीम से कट्टा अड़ाकर 18 लाख रुपए लूट लिए। दो बाइक पर चार युवकों ने लूट को अंजाम दिया। वारदात के बाद भागते हुए लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए शहर में कई जगहों पर नाकाबंदी की, हालांकि अभी तक लुटेरों के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इंदौर में अन्नपूर्णा पुलिस ने तीन आरोपियों को वाहन चोरी के मामले में पकड़ा है। तीनों नशे के लिए वाहन चोरी करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी साथ मिलकर नशे की लत को पूरी करने के लिए वाहन चोरी करते थे। गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 6 दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। जीआरपी रतलाम ने डेमू ट्रेन में भीड़ के दौरान धक्का मुक्की करके पर्स में से मोबाइल चुराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। महिला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जीआरपी थाना प्रभारी अभिषेक गौतम ने बताया कि नसरीन पति शदाब की रिपोर्ट पर राजस्थान के कोटा निवासी लीना उर्फ नीलम को चोरी के मोबाइल सहित पकड़ा गया है। आरोपी महिला ने मोबाइल चुराना स्वीकार किया है। पुलिस महिला से और वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। होशंगाबाद में जंगली जानवरों का खौफ जंगल किनारे रहने वाले लोगों में बढ़ता जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों में बुधनी के जंगलों में घूमने वाले बाघ और भालू की दहशत कम नहीं हुई थी कि सोमवार को फिर से एक बाघ ने एक बालक को शिकार बनाया है। वन विभाग के रेंजर एसएन खरे ने भी इस बात की पुष्टि की है। इसके पहले इसी माह में बुधनी के जंगल में जाकर एक बाघ ने एक लड़की का शिकार किया था। वहीं भालू ने दो रेल कर्मियों का शिकार किया था। बड़वानी में आरटीओ चौकी बालसमुद के 40 कर्मचारियों को स्काईलॉर्क सिक्योरिटी सर्विस कंपनी ने नौकरी से निकाला। कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया है, जिससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बेरोजगार हुए सुरक्षा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। वहीं नागदा में अज्ञात बीमारी की चपेट में आए ग्राम परमार खेड़ी के ग्रामीणों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दूषित जल की चपेट से बीमार हुए ग्रामीणों को नल जल योजना की सौगात केवल दिखावे के लिए दी गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में की गई पेयजल टैंकर 2 दिनों में 1 दिन ही गांव पहुंच रहे हैं। वहीं उपचार के लिए राहत देने वाला स्वास्थ्य अमला भी अब गांव में झांकने नहीं आता। ग्रामीण स्वयं के निजी खर्च से उपचार कराने को मजबूर हैं। विदिशा में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा वैशाली विहार में खाटू श्याम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह मंदिर करीब 1 करोड़ की लागत से बन रहा है। जिले में पहला खाटू श्याम मंदिर का भव्य निर्माण अब अंतिम दौरे में है। यह मंदिर फरवरी में तैयार होने की उम्मीद है। रतलाम में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का गोरखपुर में 15 से 16 नवंबर तक वार्षिक अधिवेशन होना है। इसमें सहभागिता के लिए रतलाम से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का दल गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुआ। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। सीहोर में हमदर्द अभियान के तहत कंबल वितरण किया गया। स्वामी विवेकानंद कॉलेज में आयोजित पत्रिका हमदर्द अभियान के तहत कंबल वितरण कार्यक्रम में जरूरतमंदों को कंबल दिए गए। हमदर्द अभियान के तहत कॉलेज संचालक और समाज सेवी हरीश राठौर ने उनको कंबल वितरित की। सीहोर में यातायात नियमों का धता बताकर सड़क पर फर्राटे भरने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई की गाज गिरी। पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर पहले तो फटकार लगाई, इसके बाद चालान काटकर जुर्माना वसूला है। जबलपुर शहर में अतिक्रमण विरोधी का अभियान जोरों से चल रहा है। जगह जगह पसरे कच्चे मकानों को निर्माण शक्ति से हटाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को गड्ढों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी जमीन को सख्ती से खाली कराया गया। अतिक्रमण कर बनाए गए कच्चे निर्माण जेसीबी से तोड़ दिए गए। 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद उज्जैन के महाकाल स्थित रुद्र सागर की स्थिति बदहाल है। छोटे रुद्र सागर के हालात कचरा मैदान जैसे हो रहे हैं, वहीं बड़े सागर में पानी जल कुंभी से पटा है। आगरमालवा में आईपीएस वरुण कपूर ने सोमवार को स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए।
पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल में सेमिनार आयोजित किया गया था। वहीं रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी मैच की तैयारी पूरी कर ली गई है। विश्वविद्यालय स्टेडियम में कल मंगलवार से कई राज्यों की टीमों के बीच मुकाबला शुरू होगा। 5 दिवसीय आयोजन में त्रिपुरा व बिहार सहित कई राज्यों की टीमें शामिल हो रही हैं। विश्वविद्यालय के लिए यह आयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय के बाद विश्वविद्यालय को अंतर विश्वविद्यालय मैच की मेजबानी करने का मौका मिला है। बालाघाट में तृतीय मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता के डबल मेन्स में DIG CRPF विजय कुमार और जोड़ी आलोक चौहान भोपाल चैंपियन बने। प्रतियोगिता का फाइनल सोमवार को 12 बजे से DIG विजय कुमार, साथी आलोक चौहान भोपाल व परेश बाफना साथी कमलजीत सिंह छावड़ा बालाघाट के बीच खेला गया। इसमें भोपाल की जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 13-10 से मैच को जीत लिया। जहां पर जिले के बोकराटा से अंबा पड़ाव के बीच सतपुड़ा के घने जंगलों में नर्मदा परिक्रमा के दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ मांदल और बांसुरी की धुन पर पत्नी अमृता संघ थिरके दिग्विजय सिंह। नर्मदा यात्रा के दौरान बोकराटा से अंबा पड़ाव जाने के दौरान जब आदिवासी समुदाय दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए आया और आदिवासी वाद्य पर धुन बजाना शुरू किया, तो दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी खुद को रोक नहीं पाए और उनके साथ नाचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, थाप बजाते देख उनकी पत्नी अमृता ने भी अपने हाथ साफ किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन और उनकी पत्नी भी दोनों के साथ देते हुए जमकर थिरके। वहीं मंदसौर में शहर के स्कूल में NCC का कैंप शुरू हुआ। इसमें विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कैंप में पहले दिन परेड का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूल मैदान में आयोजन कर्नल KS झाला के नेतृत्व में हुआ। इसमें पहले दिन परेड का आयोजन सुबह हुआ। अनुशासित तरीके से परेड के दौरान युवाओं ने कदम ताल की। इसमें नीमच, मंदसौर, खंडवा, रतलाम आदि स्थान के NCC कैडेट्स भाग ले रहे हैं। वहीं मंदसौर में PG कॉलेज में सोमवार को SDOP भारत भूषण के नेतृत्व में निर्भया टीम पहुंची व छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण बताए और विशेष जानकारी भी दी। इस दौरान छात्राओं ने मंचलों द्वारा हो रही टीका टिप्पणी के बारे में बताया। सुबह करीब 11 बजे निर्भया टीम के साथ पुलिस पहुंची। इसके अलावा छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए। छात्राओं ने चौराहे पर हो रहे टिप्पणियों के बारे में भी जानकारी दी। बड़वानी में अब तक एक माह में भी नहीं शुरू हुई महिला अस्पताल की OT। सीजर के लिए प्रसूताओं को ले जाना पड़ रहा है जिला अस्पताल। स्ट्रेचर और एम्बुलेंस में करना पड़ रहा है 300 मीटर का सफर। एक माह से अधिक समय होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने महिला अस्पताल की OT को शुरू कराने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। वहीं दूसरी ओर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पुलिस की हरकत समझ से परे है। VIP गेट के अंदर खुद की गाड़ियां रखते हैं, जबकि सड़क पर खड़ी रहने वाली गाड़ियों के लिए मना ही है। यहां यातायात पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि कोई भी गाड़ी पार्क ना कर सके। लेकिन वहीं इससे उलट वे अपने खुद के वाहनों को VIP गेट के अंदर तक लाकर खड़ा कर रहे हैं। उज्जैन में देश के अन्य मंदिरों के साथ महाकाल मंदिर पिछले दिनों स्वच्छता के लिए चयनित हुआ है। यहां लगातार साफ सफाई भी की जा रही है। मंदिर प्रशासक ने मंदिर परिसर में गुटखा खाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। परिसर के साथ साथ बाहर प्रांगण तक की धुलाई और सफाई की जा रही है। मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ के मेले में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहां प्रतिदिन हो रहे सांस्कृतिक आयोजन को देखने के लिए आसपास के अंचल के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तरह तरह के झूले व खान पान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं नीमच में अचानक सब्जियों में हुए मूल वृद्धि से थालियों से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ समय बाद शुरू होने वाले विवाह समारोह में भी इसका जमकर असर पड़ेगा। इस समय करीब करीब 80 से 100 रुपये प्रति किलो की हरी सब्जियों के दाम हो गए हैं। बड़वानी में SBN PG कॉलेज में सोमवार को इंटर कॉलेज जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 5 कॉलेज की टीमें शामिल हुई। संभाग स्तरीय टीम के लिए जिले की टीम का चयन हुआ। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पत्रिका TV।